बलात्कार की घटनाओं को लेकर प्रदेश की सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने महू में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बलात्कार के आरोपियों को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए, उनके सब चील कौए नोच कर खाएं, तभी अन्य अपराधियों के मन में भय होगा। मंत्री उषा ठाकुर रविवार रात को शहर के समीप कोदरिया गांव में रंगोली स्पर्धा में पहुंची थी। यहां उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया। मंत्री ने आह्वान किया कि एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा जाए कि बलात्कार तो आरोपी समाज में करता है, लेकिन उसको सजा जेल की चार दीवारी के बीच दी जाती है। ऐसा करने से अन्य अपराधियों में भय नहीं रहता है। हस्ताक्षर अभियान में प्रत्येक घर से माँ और बहनें अपने घर का मोबाइल नंबर और अपना मतदान परिचय पत्र और हस्ताक्षर अभियान में शामिल करें। मुख्यमंत्री को एक यह पत्र सौंपे, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा हो कि बलात्कारियों को बीच चौराहे पर सजा दी जाए, उन्हें वहीं लटकर रहने दिया जाए। चाहे मंत्री ने कहा कि मानव अधिकार जाए भाड़ में, बलात्कारियों को बीच चौराहे पर सजा देनी चाहिए, उन्हें वहां लटके रहने देना चाहिए, मानव अधिकार की कोई चिंता ना करें। जब तक बलात्कारियों को बीच चौराहे पर लटका कर फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, समाज में दुष्कर्म करने वाले आरोपियों में कानून के प्रति भय व्याप्त नहीं होगा। लोगों ने भी ताली बजाकर मंत्री की बात का समर्थन किया। मैं ये चाहती हूँ कि बेटियों के बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी दे दो और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे। लटका रहे दो साले को फांसी पर, चील कौवे नोच नोच के खा जाए, और जब सब लोग इस दृश्य को देखेंगे तो फिर दोबारा कोई बेटियों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। सब तैयार है ना? तो हस्ताक्षर अभियान के लिए पत्रक लेकर सतीश आएगा, ये सरपंच है अपना। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया